अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत पिछले कुछ दशकों से इकोनॉमी में विदेशी व्यापार का योगदान बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इस दिशा में सरकार पहले भी कई सुधार कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर भारत के विदेशी व्यापार यानी आयात और निर्यात से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही वाणिज्य भवन का भी उद्घाटन किया। ये नया भवन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का सेंटर होगा। निर्यात पोर्टल की बात करें तो इसे विदेशी व्यापार से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह पर मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। ये विदेशी व्यापार से जुड़े सभी पक्षों के लिए सूचनाओं का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा। इसका पूरा नाम नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्यात पोर्टल की लॉन्चिंग और वाणिज्य भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये दोनों आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में खास तौर पर MSMI के लिए सकारात्मक बदलाव होंगे। वहीं नए वाणिज्य भवन से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो व्यापार वाणिज्य और MSMI सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साथ में कहा, आज सारे मंत्रालय सभी विभाग निर्यात को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे MSMI मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय, सभी समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ साल के दौरान भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2022 में भारत ने 37.29 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। साल भर पहले यानी मई 2021 में भारत ने 32.30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। इसका मतलब हुआ कि साल भर में भारत का एक्सपोर्ट 15.46% बढ़ा है। भारत ने पहली बार किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा के निर्यात का लक्ष्य भी 2021-22 में हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।